हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक उपटन बताने वाली हूँ जो चेहरे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपके जितने भी दाग धब्बे हैं वो सारे चले जाएंगे और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इसे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसमें क्या क्या मिक्स किया है। मैंने इसमें 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच दही और 1 चुटकी हल्दी ऐड किया है। इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम लोग गुलाब जल के 2-3 ड्रॉप डाल देंगे। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे सारे को। गुलाब जल से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। याद रखिए कि आप इसमें पानी ऐड बिल्कुल ना करें, इसी गुलाब जल से ही मिक्स करें सारे को। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, कैसे हमारा उपटन बन के रेडी हो गया है। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए पहले। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया इसे। अब इसे हम चेहरे पे अप्लाई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा उपटन बन के रेडी हो गया है। जब भी आप इस उपटन को अप्लाई करें तो अपने चेहरे को पहले अच्छे से वॉश कर ले, उसके बाद इसको अप्लाई करें। आइए मैं इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो हाँ, तो मैं थोड़े थोड़े लेके आप इसे अप्लाई करें। याद रखिए इसमें आइस के नीचे से ही अप्लाई करें। हल्के हल्के हाथों से इसे मसाज करते हुए अप्लाई करें। अगर आप फेस वॉश यूज़ नहीं करते तो इस उपटन को आप अप्लाई करें, ये काफ़ी ही फ़ायदेमंद है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको फेस वॉश से एलर्जी है तो आप इस उपटन को एक बार ज़रूर ट्राई करें। इससे आपके चेहरे में जो भी दाग धब्बे हैं वो चले जाएंगे और चेहरों में काफ़ी निखार भी आता है। 1 वीक अगर आप कंटिन्यू इसको यूज़ करेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट पता चल जाएगा। ये देखिए, मसाज करते हुए आप इसको अप्लाई करें अपने फेस पर। आप चाहे तो उसको अपने नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं हल्के हल्के हाथों से। फिर आप इसको डबल लेयर लगा लें फिर से। अच्छे से सारे फेस पे अप्लाई करें, आईज का एरिया छोड़ के आप पूरे फेस पे अच्छे से मसाज करते हुए अप्लाई करें। इससे आपके जो आँख के नीचे डार्क सर्कल होते हैं वो भी धीरे धीरे चले जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम मैंने अप्लाई कर लिया है। अब ये जो आपका पैक बच जाएगा इसको आप फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसको आप दूसरे दिन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसे हम 10 मिनट के लिए अपने फेस पे रखेंगे और इसे पूरा सुखाना नहीं है, बस 10 मिनट के बाद इसे हम वॉश कर देंगे। आइए 10 मिनट का वेट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, 10 मिनट हो गए और हमारा पैक थोड़ा ड्राई भी हो गया है। इसे हम ज़्यादा सुखाना नहीं है। अब इसे हमको रगड़ के नहीं हटाना है। इसे एक गीले कपड़े लेके इसे धीरे धीरे ऐसे 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 करके इसको हटाना है। धीरे धीरे आप इसको अपने फेस से हटाएं। ये देखिए, इसे ज़्यादा कस के नहीं रगड़ना है। इसे गीले कपड़े के ज़रिए हल्का हल्का करके हटाना है। ये देखिए, इसको मसाज करते हुए हल्के हल्के हाथों इसको अपने चेहरे पे ज़्यादा रगड़े नहीं, इसको आराम से आप हटाएं। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने उपटन को कपड़े से पोंछ लिया है। अब इसे हम पानी से जाके वॉश कर लेंगे अच्छी तरह। ये देखिए दोस्तों, मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया और मेरा चेहरा कितना साफ़ लग रहा है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मैं यही ट्राई लगाती हूँ, इससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आएगा, इसीलिए मैंने आपको बताया।
कि आप भी सुपटन को लगाएं। देखिए मेरा चेहरा कितना स्मूथ और कितना क्लीन लग रहा है। अब हम अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पे लैक्मे का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब अपने चेहरे से मिला के अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे हम। चेहरे में अच्छे से अप्लाई करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा रिज़ल्ट आया इसका। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। इसे आप ज़रूर यूज़ करें। इससे आपके चेहरे में काफ़ी अच्छा निखार आ जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों आप मेरे चेहरे में कितना ग्लो कर रहा है। आप भी इसे ट्राई करें, इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है।